हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। दिल्ली में आपकी प्रचंड जीत पर पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केजरीवाल को जीत की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार से कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पार्टी को सबक लेना होगा ताकि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली में खाक छानी और शाहीन बाग को मुद्दा बनाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया। और वहीं उन्होंने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए संगठनात्मक निर्णय लेने में देरी को कारण बताया है। हम शुभकामनाएं देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने जनता का विश्वास जीतने में उनको जो सफलता मिली और एक बड़ी जीत उनको मिली है, तो हम अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आगे लोग की दिल्ली के लोग की अच्छी सेवा करें, ऐसी हमारी पूरी तरह उनके साथ शुभकामनाएं हैं। साथ ये भी संदेश एक दिल्ली से गया है कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति, और ये संदेश कहीं ना कहीं दिल्ली से भी और उससे पहले अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड से भी आया था कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति सोच, राजनीतिक सोच रही है धर्म के नाम पे या जाति पाति के नाम पे लोग बांट के अपनी राजनीति करने की सोच बीजेपी की जो रही है, लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने उसको, ध्रुवीकरण की राजनीतिक सोच को नकारने का काम किया।